ओम जय जगदीश हरे विषय हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने गांव से। तो हम कल आ चुके हैं अपने गांव, तो आज सुबह अपने गांव से व्लॉग बना रहा हूँ। तो अच्छा मौसम हो रखा है, धूप आ रखी है। ये देखिए अभी 9 बज रखे हैं और अच्छी खासी धूप आ चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, तो पूजा करने जाना है इसलिए एकदम फ्रेश पानी चाहिए, तो जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो गाँव में बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ पानी लेने के लिए ऊपर खरकी की ओर गैलन लेके। तो है यहाँ पर नज़दीक या ज़्यादा दूर नहीं है, तो चलते हैं वहाँ क्योंकि अभी जैकेट में उतरी नहीं है यहाँ पर। ये देखो यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है। तो पानी भर लिया मैंने, तो पानी भर के जा रहा हूँ घर को। तो उसके बाद जाएंगे मंदिर पूजा पाठ करने के लिए, तो दिया जला के आएंगे गुलजू के मंदिर में। और थोड़ी देर में आ रहे हैं पंडित जी, अब तो आज पाठ हाठ पढ़वाना है, तो अब तक धोती होती पहन के तैयार होते हैं। गैस ये रहा मकान हमारे गाँव का, यहाँ से व्यू दिखाया उसका आपको। यह हमारा गांव, हमारा नाम किस है नार? चंदू और चंदनी से मिलाते हैं आपको गाइस। हेलो चंदू, चंदू भाग गया। हेलो टॉनी, टॉनी उसका नाम है, टॉनी टॉनी। तो गाइस ये है हमारा चूल्हा, इसमें गर्म पानी करते हैं। ये पहाड़ी गीजर देखो कितना अच्छा है, 15 लीटर का पहाड़ी गीजर है ये हमारा। तो आप साफ सफाई चल रही है घर की, क्योंकि बहुत दिनों बाद घर खोल रखा है, तो साफ सफाई हो रही है पूरी, धूल धार सब भी हो रही है, तो सफाई चल रही है अंदर। और देखते हैं वर्तिका क्या कर रही है अपनी। वर्तिका वर्तिका कैसा लग रहा है गाँव? खास लागना हो बहुत, कैसा लग रहा है? और आपको कैसा लग रहा है वर्तिका की मम्मी? बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है वर्तिका को, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जा रहे हैं मंदिर, तो पूजा के लिए सामान रख लिया है और धोती भी रख लिया, धोती पहनेंगे उसके बाद, और पानी भी रख लिया। तो आप चलते हैं हमारे मंदिर, यहाँ हमारा हमारे इष्टदेव के मंदिर में। तो मैं और हमारे भाई साहब, नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। तो ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो ये भी चलेंगे हमारे साथ, तो दोनों भाई साहब चलेंगे हम मंदिर में। तो ये हमारे नियम बताएंगे, क्योंकि पूजा करने के बहुत नियम होते हैं, तो एक सयाना आदमी चाहिए होता है। तो भाई साहब आएंगे हमारे साथ, चलो फिर धोती होती लेके। तो भाई साहब लेंगे अपनी धोती, क्योंकि बिना धोती पहने वहाँ कार्य नहीं होता है, पहले धोती पहननी पड़ती है पूजा करने से पहले। ग्राउंड है, पहले से हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे जब पहले बचपन में, तो अब ग्राउंड में पूरा खाली हो चुका है, कोई है ही नहीं। तो ये हमारे गंगनाथ का मंदिर है, यहाँ भी आएंगे थोड़ी देर से, पहले नीचे इष्टदेव में जाते हैं अपने। खुदाई हो रही है, ये मैंने सोचा कि जियो फाइबर की लाइन बिछ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जियो फाइबर नहीं, पानी की लाइन बिछ रही है, पाइपलाइन उसके लिए खोद रखा है पूरा, नई पानी की पाइपलाइन घुस रही है। कल मैं आया तो मुझे लगा कि ये जियो की फाइबर लाइन बिछ रही है यहाँ पर, तो ये पाइपलाइन नई योजना कुछ आ रही है, तो उसके लिए पाइपलाइन बिछ रही है गाँव के लिए।
तो ये हमारे गांव से दिखने वाला व्यू, सामने अल्मोड़ा दिख रहा है, चीते दिख रहा है, सिरार दिख रहा है और बल्टे दिख रहा है, पेड़ साल दिख रहा है, वो डुंगरी, वो लमगड़ा, तो यहाँ से लगभग लगभग सब दिख रहा है। ये हमारे भाई साहब अभी ओडल गांव के ग्राम सरपंच भी हैं अभी, तो कम से कम 7-8 महीने के बाद आ रहा हूँ। उससे भी पहले आया था, मई में आया था पिछली बार, तो 8-10 महीने हो गए। उससे पहले ये मकान ही था, आज मकान बन लग गया है, ये नया मकान बनाया है। क्या अपने पुराने घर, ये रहा, ये हमारा पुश्तैनी घर है, तो यही हमारा इष्टदेव का मंदिर है इसके अंदर। तो ये हमारे पुश्तैनी घर, जो दादाजी लोग उनके थे, तो सबसे बड़े दादाजी जो हैं उनका मकान, सबसे पुराना। तो हम यही करेंगे पूजा। तो आप पहन लेते हैं धोती, क्योंकि धोती पहन ली है दोनों ने, देखिए किस हिसाब से धोती वोती पहन ली है। मेरा घर, तो ये रहा अंदर मंदिर। तो अभी यहाँ उजाला नहीं है, लाइट है नहीं है, तो यहाँ लाइट नहीं है क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं, तो कनेक्शन काट रखा है, तो उजाला नहीं है, तो मोबाइल के उजाले से ही करना पड़ेगा। तो अंदर की वीडियो में आपको नहीं, तो हमने पूजा कर ली है, तो अभी भी पूजा होगी, तो अब हम वेट कर रहे हैं पंडित जी का, तो पंडित जी भी आने वाले हैं, तो रास्ते में पहुँचे, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं उनका, तो थोड़ी देर यहीं पर इंतज़ार करते हैं। तो फिर पंडित जी आएंगे, तो फिर आगे की पूजा वो करेंगे। ये देखो बखाली, पहले से इतनी बड़ी वो रहती थी, इसमें कम से कम 4 मुआस रहते थे, 4 मुआस रहते थे यहाँ पे। अब कोई एक भी जना नहीं रहता है, ये भी ताला लगा हुआ है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो अब कोई नहीं रहता। पहले से 4 मुआस रहते थे यहाँ पे। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमा शिभिर्जत्राः चरैरङ्गे पुष्टमक्षदेवताय नमः। कृराश्मकन्या ॐ स्वात्मा गृहे भूमिगन्धादीनामः एतदाश्मस्वदाते नमः। मुद्रा प्रचोदयात् तेऽञ्जले आत्मानां प्रणयं पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुण्डरीकाक्षाय नमः विष्णवे नमः। ओम अपवित्र शुक्ल षष्ठम्यां सुपनिवसतु काश्यभूतोत्पन्नस्य मकरराशेः। गोविंद सिंह वर्मण हर्षपत्नीको अहं गजादीर्घमायुः सुपन्न। जय 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 चंद्रादित्य हतमयि सर्वज्योतिषी आरातिकं प्रतिगृहीताम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर कर। ये हमारी ठुलिया आज गांव वार की है। ये रही हमारी ठुलिया। अमरुका कहा अमरुका ताऊजी कहा ताऊजी बोझ कहा बोझ बोझ खड़ बड़ू नहीं। और हम आ चुके हैं पंकज भाई के वहाँ, तो यहाँ पंकज भाई लगा रहे हैं आज एयरटेल टीवी, तो देखते हैं वही सेट करने के लिए। यहाँ चढ़ चुके हैं हम पंकज भाई के वहाँ छत में, और पंकज भाई सुबह कल से लगे हुए हैं। दादी 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 दादी, ये रहे हमारा पंकज भाई, पहला को दादी। ये रहे भाई साहब हमारे, और एयरटेल टीवी लग रहा है इनका, तो सेट नहीं हो पा रहा है, तो सेट करने के लिए हम आए हैं। अमन ये चले गए हैं ग्वाला।
पहुंच चुके हैं, तो पूजा करके घर आ चुके हैं। तो सुबह से फास्ट भी था, कुछ खाया भी नहीं है, तो अब बन रहा है सीधे लंच घर में। तो निशा बना रही है लंच, दिखाते हैं आप। तो ये बना रही है निशा यहाँ पर चूल्हे में। तो गाँव में सब चूल्हे में बनता है, हम दाल चूल्हे में बना रहे हैं और चावल गैस में। तो दाल तो सब्जी बन रही है इसमें, तो भी पंडित जी भी आ रहे हैं, वो भी बनाएंगे। तो निशा बना रही है सब्जी, बना रही है गोभी की सब्जी बन रही है। तो लंच करते हैं, बन रहा है, तो उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे। और अमल लेके आ गया पुदीना, तो आज बनेगी पुदीने की चटनी, तो मज़ा आ जाएगा पुदीने की चटनी खा के। और मम्मी बर्तन धो रही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं हम घर में, तो सारे बर्तनों को एक बार धोना पड़ेगा। तो मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए और अमन ने तोड़ लिया पुदीना, तो ये अमन बनाएगा इसकी चटनी। और कल अमन का पेपर भी है, और देखो अभी तो घूम रहा है, तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, चटनी बनाने में लगा, कल पेपर है इसका। और यहाँ पर डॉगी शोर खाए, तो हल्के हल्के बादल हो रखे हैं, ज़्यादा नहीं। और मौसम ठंडी हवा चल रही है, धूप आ रही है और ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और यहाँ से जो पहाड़ दिख रहे हैं, नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। गांव की लिपाई हो रही है, पता गांव में तो जब खाना बनता है तो खाना बनने के बाद दोबारा चूल्हे को दोबारा लिप लिया जाता है, क्योंकि जब जूठा रहता है तो उसको अशुद्ध माना जाता है। तो दोबारा साफ हो गया, शाम को फिर बनेगा इसमें खाना।